रिसोर्सेज से मुल्क नहीं बनता। अगर आज मेरे मुल्क में तेल निकल आए तो मैं अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, अच्छी मकदार में निकल आए अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं ये उम्मीद करूँ कि वो मुल्क बदल जाएगा उससे नहीं। लोगों के मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे, मुल्क बदलता है जहनों से। ये जो मैं किताब का जिक्र किया, जारेड डायमंड, इन्होंने 7 ममालिक का तज़िया किया कि मुल्क बदला तो क्यों बदला। चिली का किया, इंडोनेशिया का किया, जापान का किया और 3-4 और ममालिक का किया। तो सही फैसले मगर जहन से बदलता है, द नेशन चेंजेस। और नेशन चेंज के अंदर इखलाकियात और हमदर्दी बुनियाद है, बाकी चीज़ें बाद में। रिसोर्स बहुत, एजुकेशन, तालीम, उसके साथ साथ तालीम, सेहत, ये 4-5 फाउंडेशंस हैं नेशंस बनने के। गुड लीडरशिप, ये भी बेइंतहा ज़रूरी, लीडरशिप अमंग द ब्यूरोक्रेसी। अगर इंस्टीट्यूशंस मैच कर जाएं तो देन द नेशन चेंजेस। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को, मुस्तकबिल को भी हैं। इस मॉडर्न जनरेशन को तो ही हैं, मौजूदा जनरेशन को तो ही हैं, मुस्तकबिल को बड़ी उम्मीदें हैं। आप वो शमा रोशन कर रहे हैं, आपके अंदर बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। बट जब हम आपसे बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं जिसमें आपको, हमको दुनिया के साथ कम्पीट करना है। और दुनिया से कम्पीट करने के लिए मुझे कभी ये फिक्र नहीं है कि दुनिया हमारे मुतालिक क्या सोच रही है। हम ठीक होंगे, दुनिया खुद ही सोचेगी, कार खैर के अंदर, रेफ्यूजीज़ के अंदर, यू नेम इट, कोविड के अंदर। वो गुड, एक अच्छी मिसाल है जो मैं आपको देना चाहता था, सही फैसले, जहाँ मैंने एस्टोनिया और लिथुएनिया की मिसाल दी, सही डिसीजन मेकिंग, हमदर्दी की बिसात पर, अल्लाह की मदद के साथ, यू मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कंपेयर्ड टू योर नेबरिंग कंट्री।